संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक दिन बाजार ने नीचे का गोता खाया और वापस बाजार में जो सेंटिमेंट इम्प्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज और मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है। कैसे देख रहे हैं मार्केट के मूड माहौल को और कौन सी आपकी पिक्स? हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित। तो मार्केट चौपी रहेगी और डोंट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देयर इज एक्सपायरी ऑन बैंक निफ्टी ऑप्शंस, वो थोड़ा है, लेकिन आज सारों का दारोमदार होएगा ऑन दी फेड मीट, ऑन दी यूएस डेटा ऑन इन्फ्लेशन। और आपने देखा यूएस मार्केट्स हैव रादर कंसोलिडेटेड, और अगर वह नंबर खराब आया तो इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो सकता है एंड वी शुड बी इन फॉर अ चॉपी राइड टुमारो। नॉट विथस्टैंडिंग आप देख ही रहे हैं कि पेंटा फीलिंग इतनी स्ट्रांग है मिड कैप्स में कि वो कोई भी फॉल हुए तो लेने का मौका है। तो यहाँ पे मेरे पे फिर एक बाय एक सेल है, फार्मा एक आउट परफॉर्म है, वहां मेरे पे बाय है और एक अंडर परफॉर्म है जो मैं अभी सेल दे रहा हूँ। आप कहें तो मैं शुरू करूँ? जी शुरुआत करिए। तो बाय होगा सर बायोकॉन। आई थिंक इट विल कम आउट विथ स्टेलर नंबर्स एंड वी नो दैट दे आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट ऑन देयर इंसुलिन न्यू पोर्टफोलियो। तो 412-13 में बायोकॉन लीजिए, 408 का स्टॉप लॉस, 430 मिनिमम टारगेट है, 430 और 35 के लिए आप देख सकते हैं बायोकॉन। बेचने में है एलएनटी, 1525 से 28 में बेचिए, 1552 का स्टॉप लॉस, 1470 का टारगेट। तो एलएनटी में बिकवाली की राय, 1470 रुपए का टारगेट एलएनटी में आप बेच के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा बायोकॉन, उस पर आज संजीव जी को तेजी दिख रही है और उनको लगता है कि यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 412-413 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, 440-450 तक के लेवल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेंट एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 450 रुपए के आसपास के टारगेट फंडामेंटल आधार पर भी यहाँ पर दिए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन दोनों ही शेयरों पर चर्चा करने के लिए, और बायोकॉन तेजी के लिए और एलएनटी मंदी के लिए संजीव जी को दिखाई पड़ रहा है।